हेलो, वेलकम टू जीवन ब्यूटी टिप्स। मैं हूँ जीवन। जैसे कि आपने टाइटल पर देख लिया होगा कि हमने कैसे कॉफ़ी का यूज़ करके घर पर ही अपने चेहरे को एकदम से बेदाग और शीशे की तरह चमकता हुआ बनाना है। आज मैं आपको यही मेथड बता रही हूँ कि कॉफ़ी को यूज़ कैसे करना है अपने घर पर अपने चेहरे के लिए। ये बहुत ही इजी है। इसके लिए सिर्फ हम 2 स्टेप यूज़ करेंगे और आपको इसका रिज़ल्ट अमेजिंग मिलेगा। हम सबसे पहले करेंगे फेस क्लींजिंग। उसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आपने उसमें थोड़ा सा हाफ चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल ऐड करना है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि बादाम का तेल। हमारा क्लींजिंग बन के रेडी हो चुका है। इसको लगाने से पहले आपको अपना फेस अच्छी तरह से किसी फेस वॉश की हेल्प से वॉश करना होगा। क्लीन फेस पर ही इसे आप अप्लाई करें। इसको आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है और 2 से 3 मिनट सिर्फ अपने सॉफ्ट हाथों से अपने फेस की अच्छी तरह से क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, आपकी स्किन के अंदर जो डीपली से घी है वो सारी बाहर आ जाएगी और आपकी स्किन हो जाएगी बेदाग। अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है आपको, इस क्लींजिंग को करने से आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बिना कोई पैसा खर्च किए आपकी स्किन हीरे की तरह चमकने लगे तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करना। आपने अच्छी तरह से अपने फेस पर क्लींजिंग करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। आपने पूरे फेस पर, चिन पर, अपर लिप्स पर, आईज के नीचे, फोर हेड पर, नेक पर, नोज़ पर अच्छी तरह से क्लींजिंग करनी है। आपके फेस का कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। आपको इस तरह से क्लींजिंग करने के बाद आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए या फिर वॉश कर लीजिए। मैं आपको अपना फेस यहाँ पर क्लीन करके दिखा रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप से ही हमें कितना अच्छा और अमेजिंग रिजल्ट मिला है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हमारा सेकंड स्टेप है फेस मास्क। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल उतनी ही ऐड करें जितना कि आपका ये स्मूथ पेस्ट बन जाए, क्योंकि इसे हमने अपने फेस पर अप्लाई करना है और 3 से 4 मिनट तक अपने फेस की मसाज करनी है और उसके बाद आपने इस पैक को ऐसे ही लगा रहने देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लें। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको 2 से 3 ब्यूटी टिप्स दूंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इस वीडियो में हमारा पहला टिप ये है कि गर्मियों में जब भी आप कोई फेशियल करते हो या फिर फेस पैक अप्लाई करते हो तो उसके बाद आप आइस क्यूब से 1 या 2 मिनट तक अच्छी तरह से अपने फेस की मसाज करें। और अगर आप सर्दियों में फेशियल कर रहे हैं या फिर फेस पैक यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा गुनगुने पानी से ही अपना फेस वॉश करें। इन दोनों टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको इतना अच्छा और अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप जिन जिन लोगों ने ये टिप्स फॉलो किए हैं उनको कैसा रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों स्टेप हो चुके हैं कंप्लीट। मेरी स्किन कितनी फेयर एंड ग्लोइंग लग रही है। आप इन दोनों स्टेप को घर पर जरूर ट्राई करना। ये बिल्कुल इजी है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार मेरे कहने पर इसे जरूर ट्राई करना और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ये लास्ट वाली वीडियोस देखना मत भूलना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय। बी हैप्पी।